ये हमारा तीसरी वीडियो है और पिछले दो वीडियो में हमने देखा है डेटा फोल्डर और इमेज प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो में आप एक एक करके सभी बटन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीन बटन को देख लेते हैं। ये पर दिया गया है ओपन ईएमएस, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वही फोल्डर हमें ओपन करके दे देगा जो फोल्डर हमने डेटा फोल्डर में दिया था इमेज के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इमेज प्रोसेस कम्प्लीट कर लिया है तो हमें एक फोल्डर मिलेगा हॉरिजॉन्टल का और एक फोल्डर मिलेगा वर्टिकल का। तो आप यहाँ से कोई भी इमेज को ओपन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप किसी भी फोल्डर को अगर सॉरी आप किसी भी फाइल को अगर सिलेक्ट करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर सिंगल फ़ोटो का हम सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो हमें सिंगल फ़ोटो ओपन करके दे देगा। और हम अगर मल्टीपल फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे आप जितना भी फ़ोटो चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं एक साथ। तो हम पर्पस डेमो पर्पस के लिए दो फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो ये दोनों फ़ोटो को ओपन कर देगा हमें, ये देख सकते हैं। हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं और उसके बाद जाएंगे हम ओपन पीएचडी। ये बटन वही फोल्डर ओपन करेगा जो हमें ऑटो पीएचडी के लिए दिया था। तो ओपन पीएचडी हम क्लिक करेंगे तो ये हमें देखिए ऑटो पीएचडी के फोल्डर में ले गया। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आप जितना भी फाइल चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और ये एक भी फाइल को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए और एक बटन दिया गया है ओपन ऑल। तो इसमें क्या होगा, आपने जितना भी फोल्डर दिया था उतना ही फोल्डर आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर सारा का सारा फोल्डर का ऑप्शन है, आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी बैकग्राउंड को ओपन करके देखना है हम ओपन बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो हमें बैकग्राउंड का फोल्डर ओपन करके दे देगा। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आप जितना फाइल चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं और या फिर आप सिंगल फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। देखिए